नमस्ते दोस्तों, मैं सरोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एकदम खिले खिले नरम पोहे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। वैसे तो पोहा महाराष्ट्र में काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आप नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पोहा लेंगे, इस तरह का छन्नी लीजिए। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बाउल में धोकर पानी निचोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कप पोहा लिया है, अब इसे हम धो लेंगे 2-3 पानी अच्छे से। पोहे में जो है एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं छोड़ना है, इसके लिए मैं छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बाउल में पोहा धोकर और छान लें, डायरेक्ट पानी निकाल लें उसमें से। देखिए मैंने पोहे को अच्छे से धो लिया है, उसे ऐसे ही रख देंगे ताकि पोहा थोड़ा फूल जाए। ये देखिए पोहा कितने अच्छे से फूल गया है। यहीं पर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे, यहीं पर कर देंगे 1/2 नींबू का रस। अगर आप सोच रहे हैं कि चीनी डालने से पोहा मीठा हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर पोहे को हम तो छोड़ देते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है पोहे में आ जाए, चीनी और नमक और नींबू का। तो गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें डाल देंगे हम ऑयल। यहीं पर डालेंगे हम मूंगफली, मूंगफली को थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। कच्चा मूंगफली है, अगर आपके पास भुने मूंगफली है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए मूंगफली को मैंने अच्छे से भून लिया है। मूंगफली में जो है एक क्रेक आ गया जिसे आप देख रहे हैं। मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, इसे निकाल देंगे। ये देखिए मूंगफली तैयार हो चुकी है। उसी कढ़ाई में अब क्या करेंगे हम, आलू डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो उबले हुए आलू डाल सकते हैं। अगर आप फ्राई करके बनाएंगे पोहे तो उससे क्या होगा कि जो आपका पोहा है चिपचिपा नहीं बनेगा, खिला खिला बनेगा। उबले आलू से थोड़ा पोहा क्या हो जाता है कि चिपका चिपका सा हो जाता है। ये मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, ये देखिए। अब उसी ऑयल में डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों, जिसे हम राई भी बोलते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। अब दोनों को थोड़ा चटकने देंगे। जैसे ही सरसों और जीरा चटक जाएगा हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है पोहे में बहुत ही अच्छा आता है तो ज़रूर डालें। इसे थोड़ा सा मूल लेंगे। फिर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने पहले ही काट के रख लिया था, अब जो सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे। जैसे हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं प्याज का जो कलर है थोड़ा चेंज हो चुका है। अब यहीं पर ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। वैसे तो ये ऑप्शनल है, पर डाल के देखिएगा इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है पोहे में। ये भी डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे हमने पहले भी पोहे में नमक डाला है हल्का सा, हल्दी पाउडर। यहीं भी डाल देंगे अपना फ्राई किया हुआ आलू। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। चलिए तो पोहा चेक कर लेते हैं। ये देखिए पोहा जो है अच्छे से फूल चुका है, बिल्कुल भी चिपा नहीं, अलग अलग हो चुका है। हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको हम अलग अलग कर लेंगे ताकि जब इसे हम डालें तो पोहा बिल्कुल भी चिपके ना, खिला खिला बनकर तैयार हो। ये हल्दी भी पक चुकी है, मैंने 1 से 1.5 मिनट पकाया है। ये भी डाल देंगे 1/2 नींबू का रस, मिला लेंगे। यहीं पर ऐड कर देंगे अपना हम पोहा जो मैंने भिगो के रखा था, अब इसे मिला लेंगे। आप इसे आलू पोहा या कांदा पोहा भी बोल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिला लेंगे। अब अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि हल्दी जो है पोहे में अच्छे से मिल ना जाए। ये देखिए पोहा जो है कितना खिला खिला सा है, बिल्कुल भी
स्किप करना ही है। मिला लेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ढक देंगे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा पोहा जो है तैयार हो चुका है। मैंने इसे 3 से 4 मिनट पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पे, बीच में ढक्कन ढक मैंने चलाया था। ये भी डाल देंगे अपना भुना हुआ मूँगफली, मिला लेंगे। हमारा जो पोहा है यहाँ पे सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं बारीक कर हुआ सर्व करते समय, या थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए निचोड़ कर, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर मूँगफली डाल दिया है जो मैंने भून के रखा था। यहाँ पर हमारा बहुत ही हेल्दी पोहे का जो नाश्ता है बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में घंटी का बटन दबाते जाए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।